वेलकम स्टूडेंट, यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यह जैक बोर्ड का रूटीन है जो कि जारी कर दिया गया है। आपकी जो परीक्षा है वह 14 मार्च से प्रारंभ होगी, या 2 शिफ्ट में होगी। जो पहली पाली है वह आपका 10th क्लास के लिए है, जो 9:45 से चालू होगा 1:05 तक, और दूसरा जो सीटिंग है वह 2 बजे से प्रारंभ होगा 5:20 तक। और आपके रूटीन है सो इस प्रकार है, अपना विषय सभी छात्र छात्रा देख लेंगे। साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, उस पर भी आपका डेट लिखा हुआ रहेगा, टाइम लिखा हुआ होगा कि किस विषय का एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी नोटिस आई है, कब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, कब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, कब आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो जो आपका एडमिट कार्ड है 10th क्लास का, वह 28 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। 10th क्लास का 28 जनवरी को, जबकि इंटर का एडमिट कार्ड 30 जनवरी को जारी होगा। यह जैक के वेबसाइट के द्वारा स्कूल का यूज़र आईडी पासवर्ड से प्राप्त किया जा सकेगा, जो विद्यालय डाउनलोड करके देंगे। इसके लिए आपको विद्यालय में संपर्क करना होगा अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए। तो 10th क्लास का डेट याद रखेंगे, 28 तारीख को आएगा, और इंटर का 30 तारीख को जनवरी में। आपका जैसे एडमिट कार्ड आ जाता है, आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। जो प्रैक्टिकल परीक्षा की डेट है वह 7 फरवरी से प्रारंभ है और 4 मार्च तक चलेगा, 7 फरवरी से 4 मार्च। और इसी दौरान आपका मूल्यांकन भी होगा, जो भी प्रैक्टिकल का नंबर है आपको चेक करके जैक बोर्ड में भेजा जाएगा। तो इस दौरान अपने विद्यालय में संपर्क करके अपना एडमिट कार्ड ले लेंगे और प्रैक्टिकल परीक्षा में जरूर शामिल होंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा एग्जाम से पहले ही होगी और आंतरिक मूल्यांकन भी, जिसका नंबर भी दिया जाएगा आपको। तो यथाशीघ्र अपने विद्यालय से संपर्क बनाए रखेंगे, इन्हीं का अगर परीक्षा छूटता है तो आप फेल हो जाएंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा में अथवा बोर्ड की परीक्षा में शामिल होना आवश्यक होता है, तभी रिजल्ट जारी होती है। धन्यवाद।